Hello everyone. Am I audible to all of you? Okay. Chalo then. Let's start, hai na? Start karte hain. Regarding GK section ka analysis. So, good evening. So, firstly, पेपर वॉज एज एक्सपेक्टेड है ना, कुछ ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसी चीज़ें नहीं आई थी और यू कैन से नॉट लाइक क्लैट का जी के, सो इट वॉज वेरी एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स पे था एंड नथिंग एज सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी. स्टैटिक जी के थोड़ा कम कर दिया है ना, स्टैटिक जी के को थोड़ा कम कर दिया गया है एंड थोड़ा क्या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कर दिया. 2-3 क्वेश्चंस वे देयर फ्रॉम स्टैटिक जीके, दैट टू पॉलिटी ओनली. उसके अलावा एवरीथिंग वॉज करंट अफेयर्स बेस्ड, बट करंट अफेयर्स वॉज फ्रॉम जून टू जुलाई, यू कैन से जून टू जून कह सकते हो. लास्ट ईयर के जून से भी क्वेश्चन थे और अभी के जून से भी क्वेश्चन थे, सो यू शुड हैव अ गुड ग्रास्प ऑन करंट अफेयर्स, राइट? तो जून टू जून का आपको करंट अफेयर्स वन लाइनर टाइप का आपको याद होना चाहिए मेजरली. कंट्री बेस्ड क्वेश्चन वेर देर अराउंड 10-12 कंट्री बेस्ड, कंट्रीज के नाम ऑप्शन में दे, तो वो एक याद रखना, कंट्री बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये था कुछ एनालिसिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थोड़े क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. तो 12 questions where you can say very easy and expected questions, like must know questions, सबको पता होंगे. इस टाइप के 12 क्वेश्चन थे, लाइक जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, लाइक 46, या फिर पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, NHRC के चेयरपर्सन कौन बने हैं, वोटर्स डे कब होता है, डेज एंड थीम्स तो पता ही आपको है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है. देन पोस्टल बैलेट, नॉट एग्जैक्टली ईजी बट इट कैन बी आराम से, है ना, यूजिंग कॉमन सेंस वो आप हटा सकते थे. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड ऑफिस बहुत बार आपको क्लासरूम में ही यहाँ पे ही पूछ चुका हूँ. देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता था, है ना, वो भी किसका है, मैंने तो स्टार्ट एंड इतनी बार याद करा दिए तो क्या ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. देन बेस्ट गवर्न स्टेट, इट वॉज इन न्यूज, सो ये आपको पता होना चाहिए. क्वाड मेंबर्स, तो ये अब क्वाड के मेंबर्स तो कितनी बार याद कर चुके हैं, क्या क्या चीजें होती रहती है क्वाड में, तो क्वाड वाज अगेन इजी वन. देन UNGA के प्रेसिडेंट, आई थिंक वी हैव डन दिस आल्सो मल्टीपल टाइम्स, 2022-23 के बच्चों को भी मैं 2-4 बार पूछ चुका हूँ, है ना, UNGA के प्रेसिडेंट कौन है. देन साइक्लोन टॉक थी, तो हमने पुराना साइक्लोन, अभी का साइक्लोन, आने वाला साइक्लोन, सबके नाम, कौन सी कंट्री ने दिए है, कैसे दिए जाते हैं, एवरीथिंग वॉज डन, सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट, ये शायद मैंने चैट सेक्शन में ही पूछ लिया था जब हम ओलंपिक पढ़ रहे थे, राइट? मिराई तोवा, है ना, इसका नाम मैंने तभी आपको पूछ लिया था. ओके, तो दोज वेर 12 क्वेश्चंस, यू कैन से अराउंड 12 क्वेश्चंस, वेरी इजी एंड एक्सपेक्टेड लाइंस पे आए हुए क्वेश्चंस थे जो आप देख सकते थे. देन 13 क्वेश्चंस वेर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो प्योरली करंट अफेयर्स कह सकते हो, प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे. इफ समवन वाज रेगुलर विद द करंट अफेयर्स फ्रॉम जून 2020 टू जुलाई और जून 2021, पूरा अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा लिखा है तो ही वाज डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन वो पढ़ चुका ही होगा, कवर कर चुका होगा. लाइक क्वेश्चन नंबर 36 रिगार्डिंग विनेश फोगाट, देन 9 सैटेलाइट इन स्पेस, शायद मैंने ये भी बताया था इस क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे या द हिंदू में कभी तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था ऐसी चीजें जनरली चाइना ही करता है. एक चीज हम पढ़ रहे थे एट दैट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यूएस ने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की थी, है ना, नासा, डोनाल्ड ट्रंप ने नासा की न्यूक्लियर एनर्जी की बात की थी, अपना जो 5.5 घंटे का मैराथन चला था उसमें हमने इस चीज को कवर किया था. सो दिस 9 सैटेलाइट्स वर देयर. देन जर्मनी फेजिंग आउट कोल एंड एटॉमिक एनर्जी, नाउ दिस वाज अगेन इन करंट अफेयर्स, पहली कंट्री थी दुनिया की, तो फर्स्ट एज आई सेड आई थिंक इन रिविजन एज वेल, फर्स्ट, दुनिया का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट इज द फेवरेट एरिया. इंटरनेशनल पे काफी फोकस है, यू कैन सी द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री के साथ क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री के साथ क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स इज इन न्यूज. एंड सेकंडली, जैसे हमने क्लैट में भी देखा था, एनवायरमेंट वाज इन न्यूज, सो यू कैन से कि दीज फ्यू एरियाज आर देयर. लास्ट ईयर क्लैट वाज फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल, लास्ट ईयर क्लैट वाज फोकसिंग ऑन इकोनॉमी, दिस ईयर दे आर ऑल्सो, इसका भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी की तरफ टिल्ट है. तो यू कैन सी दिस थिंग्स आर हैपनिंग, तो ये आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन सन स्पेक्चर, नासा वाला जो था. देन फार्म्स बिल, इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता था. वी हैव अराउंड 4 घंटे का तो यूट्यूब पे ही अपलोडेड है फार्म बिल, है ना, 1.5 घंटे का सेशन है, आई रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ मी, और एक अपने लीगल रिलेटेड फार्म लॉस का भी लिया था डिस्कशन. देन गूगल इन्वेस्टिंग इन इंडिया, डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी काफी ज्यादा फेमस था, न्यूज में था. इंडिया वर्ल्ड बैंक,
फॉर हाईवेज, तो किसी ने अगर करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं, जीके जीनियस को ठीक से थोड़ा सा है ना चाट लिया है, तो आपका काम इसमें हो जाएगा। 100% हाउसहोल्ड जो गोवा वाला था, इसके बाद शायद हमने उड़ीसा का भी पढ़ा था है ना, पूरी सिटी का हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें थी जो काफी ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड थी। सो 12 क्वेश्चंस, तो 13 + 12, सो दिस 25 क्वेश्चंस वे गेटेबल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो 25 नहीं, इसमें से चलो चार पांच आपको नहीं भी आए, ठीक है, वो 13 और ये 12, 25 हो गया। इन 12 में से पकड़ लो, 25 में से 4 क्वेश्चंस यू डू नॉट नो, सो देर आर अराउंड 21 क्वेश्चंस, अराउंड 21 क्वेश्चन थे जिसका आपको आइडिया लगना चाहिए था, 21 क्वेश्चन जिसका आपको पता होना चाहिए था। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बेंगलुरु नाम से ही हो जाता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन, यूएन वुमन इंडिया है ना, यूएन एंड यूएन वुमन एंड इंडिया, या फिर यूएनएससी एंड इंडिया, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था। इसराइल के साथ जो साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था। देन मोस्ट फिलेंथ्रॉफिक पर्सन, बहुत बड़ा हेडलाइन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, तो वो भी था। एंड K2, अब ये मैं नहीं मानता वैसे इतना इजी था कि चलो ठीक है, अगर किसी ने पढ़ लिया बाई चांस, नजर घूम गई तो घूम गई, अदरवाइज इसमें से, इसलिए मैंने कहा कि 3-4 क्वेश्चन यू कैन से, इन सारे 12 क्वेश्चन में से 3 to 4 क्वेश्चंस वर लाइक दिस, विच यू कैन से कि ठीक है नहीं आया या गलत हो गया। सो अराउंड 25 क्वेश्चन अभी तक हमने थोड़े से एनालाइज किए, हमने आंसर्स डिस्कस नहीं किए, हमने अभी तक क्वेश्चन को एनालाइज किया। 25 में से हमें पता चला अराउंड 21 क्वेश्चंस वेयर गेटेबल है ना, 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो कर सकते थे, चलो 21 में से भी एक दो गलत हो गए। 18 के आसपास का स्कोर 25 क्वेश्चन में से आने जैसा था आराम से, 18 का स्कोर, 18-19 का स्कोर कह सकते हो, इसमें से आने जैसा था, ठीक है। अब चलते हैं बचे हुए क्वेश्चन की तरफ। सो 25 के बाद जो क्वेश्चन थे, आउट ऑफ दिस फ्यू क्वेश्चन वेयर आइदर टू डिफिकल्ट और ऑब्सर्ड है ना, तो मगअप करने के थोड़ा मुश्किल था। यूएस बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, टेनिस रिलेटेड क्वेश्चन, अब टेनिस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए था, कुछ तो कोचिंग का फायदा होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि 20 ग्रैंड स्लैम जब 3 लोगों को हुए थे तब हमने पढ़ा था, फेडरर का, नदाल का और जोकोविच का, इन तीनों के जब 20 हुए थे तब हमने पढ़ा था। तो दो आपके पास इलिमिनेशन से आंसर आ जाना चाहिए था, फेडरर और नदाल को वहां से हटा देते है ना, फेडरर और नदाल को वहां से हटा देते, जोकोविच ऑप्शन में था नहीं, तो ये 3 ही लोग थे जिनके पास 20 है, तो 20 से ज्यादा कौन होगा, तो सेरेना विलियम्स आपके पास आंसर आ जाता, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 53, सिमिलर फैक्ट्स वर देयर ऑन इंडियाज वुमन क्रिकेट, शेफाली वर्मा भी हमने डिस्कस किया था, शी वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू डेब्यू इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स है ना, टेस्ट, वन डे एंड T20 इंटरनेशनल, तीनों में भी उन्होंने कवर किया था। देन नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स हैज बीन आस्क्ड अप, ये क्वेश्चन वन ऑफ दोस क्वेश्चन था जो मैं चाहता हूँ कि है ना आप लोगों ने छोड़ देना था, बिकॉज नोबल पे जनरली पूछा जाता है कि किसको मिला, किस टेक्नोलॉजी के लिए मिला, वो कहाँ से थे, स्टैनफर्ड से थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ये वन टाइप में क्वेश्चन था जो मगअप नहीं हो सकता, जो आपको छोड़ देना, ये मगअप करने की चीज भी नहीं है, आप पढ़ोगे भी तो आपके आंखों के नीचे से निकल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, ये उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। देन तो इसमें से कह सकते हो अराउंड फ्यू क्वेश्चन, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन गेटेबल थे है ना, 3-4 क्वेश्चन, चलो 3-4 क्वेश्चन वेर गेटेबल, राइट, तो इसमें से 3 आ गए, तो अराउंड 21-22 का स्कोर हो गया। तो अभी तक हमने सोचा है 22 का स्कोर आराम से गेटेबल था। अब कुछ कपल ऑफ जो स्टैटिक या पॉलिटी टाइप के क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन वेर नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है पॉलिटी का और क्लासेस में भी देखा हुआ है तो आपको आइडिया होनी चाहिए। लाइक हाई कमीशन, तो ये थोड़ा सा चलो टेक्निकल है, कॉमनवेल्थ का आपको नहीं पता, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ज्वाइंट सेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार है ना, बहुत बार हम कर भी चुके हैं, क्लासेस में भी कर चुके हैं, तो आना चाहिए था। एनईपी 2020, वी हैव डिस्कस दिस इन जीके परफेक्ट, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लासरूम, वी हैव डिस्कस दिस इन द हिंदू एज वेल, तो इसमें कोई ऐसा था नहीं है ना, एंड दिस इज देयर बाय अंडरलाइनिंग दैट वी नीड टू स्टडी सर्टन प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स इन डेप्थ, जैसे कि ये टॉपिक हुआ, फार्म लॉस का टॉपिक हुआ, ये दो टॉपिक ऐसे हैं बिकॉज इंडिया में काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो इसके ऊपर एलिट ने इन डेप्थ ही क्वेश्चन पूछे हैं, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस इन डेप्थ ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो दिस शोज दैट यू हैव टू डू फ्यू टॉपिक्स इन डेप्थ, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स इन डेप्थ, तो ये एक एनालिसिस हो गया। तो इसमें से अराउंड 3-4 क्वेश्चन थे, तो अभी तक 22 स्कोर था, इसमें से 3 क्वेश्चंस वेयर इजीली डूएबल, राइट, 3 क्वेश्चन इसमें से इजीली डूएबल थे, सो यू कैन से एन एवरेज और अ गुड स्कोर है ना, एक अच्छा स्कोर जो बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया है, जो बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया है, अच्छे से पढ़ा है, और यू कैन से रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़े है, थोड़ा सा फाउंडेशन भी ठीक ठाक है, उन बच्चों के 25 नंबर्स आर एक्सपेक्टेड। इवन निगेटिव हटा दिए मैंने, शायद पकड़ लिए कि 3-4 वहां उड़ गए, 3-4 वहां उड़े, तो निगेटिव मैंने हटाए, 25, ठीक है। सो 25 क्वेश्चंस वेर देयर, अराउंड 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से आपके 25 नंबर आ सकते थे, क्वेश्चन शायद आई थिंक गुड अटेम्प्ट वाज बिटवीन 25 टू 30,
25 से 30 या फिर कह सकते हो इवन 30 के ऊपर भी, 32 33 वाज अ गुड अटेम्प्ट, 30 32 33 गुड अटेम्प्ट था, और नंबर आपके 25 से 30 के बीच में आर वेरी गुड, इसके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे तो काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है, अच्छा माना जाएगा। अटेम्प्ट आपका कह सकते हो 28 से लेके 32 33 तक का अटेम्प्ट वाज अ गुड अटेम्प्ट। 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऐसे रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन पकड़ लो, 3-4 पकड़ लो किसी के लिए, ऐसे होंगे जो छोड़ने ही छोड़ने हैं, जिनको आपको हाथ भी नहीं लगाना होता। और शायद मैंने बहुत बच्चों को एग्जाम जाने से पहले भी ये कहा था कि ब्लाइंडर मत मारना, यहाँ पे सारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तो ब्लाइंडर नहीं लगाने हैं, राइट। सो दिस वॉज बेसिक आइडिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा और कहां से पिकअप हुआ है, एज यूजुअल जो अपना है ना, तो वो कहां से पिकअप हुए, कैसे पिकअप हुए, वो मैं आपको बता दूंगा। सो दिस एनईपी का क्वेश्चन वाज देयर, वी हैव डिस्कस दिस इन आवर क्लासरूम, तो ये आपके क्लासरूम का स्क्रीनशॉट है। देन वी हैव डिस्कस दिस इन आवर जीके परफेक्ट, जीके परफेक्ट वॉल्यूम 1 पेज नंबर 27-28, हो सकता है कभी कभी पेज नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो बट दैट्स ओके, हाँ 27-28 राइट, 27-28 ही है, ये जीके परफेक्ट के पेजेस है जहां पे हमने और भी डिटेल में अराउंड 4-5 पेजेस में इसको कवर किया था। देन हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज फ्रॉम द क्लास नोट्स, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जब हमने पढ़ा था एट दैट टाइम वी टॉक्ड अबाउट दिस। इसके अलावा भी बहुत बार न्यूज में ये चीज आती रहती है गुरुग्राम, शायद मैंने द हिंदू के एनालिसिस में भी 2-4 बार आपसे गुरुग्राम वाला क्वेश्चन पूछ लिया रहेगा। सो दिस गुरुग्राम वॉज द आंसर, इससे पहले वाले का इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, इट इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ बी एड, है ना, दिस वॉज द आंसर फॉर दिस, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने पॉलिसी में पढ़ी थी। द नेक्स्ट वॉज दिस गुरुग्राम, द नेक्स्ट वॉज बाय स्कोरिंग हाफ सेंचुरी, तो इसका शेफाली वर्मा वाला था, राइट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, शेफाली वर्मा यंगेस्ट जो इन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट वॉज दिस यूरोपियन टेनिस हिस्ट्री, तो इसमें हमने नदाल के बारे में पढ़ा था और फेडरर के बारे में पढ़ा था, तो इन दो ऑप्शन को आपको इलिमिनेट कर देना था, राइट, और आपको पता है कि इनके पास मेल में हाईएस्ट है 20-20, तो ऑफकोर्स तीसरे मेल है ना, तीसरे मेल भी कुछ ऐसे कुछ हो नहीं सकता, प्रॉब्लम क्या है ये है बिकॉज ये काफी फेमस भी है, इनके पास आई थिंक 23 और 24 ग्रैंड स्लैम्स है, इनके पास 23 टू 24 कुछ है, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं याद, 20 वाला नंबर क्योंकि न्यूज में था, देयर वाज अ क्लियर कट रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट रीजन वाज दिस कि तीन लोगों ने 20 किया था, तो उसके वजह से उन्होंने ऑफकोर्स इजी क्वेश्चन पूछा कि भैया 20 से ज्यादा किसके पास है या सबसे ज्यादा किसके पास है, क्योंकि आपने 20 तो पढ़ा ही होगा और 20 हाईएस्ट है, तो उसमें भी तीन लोग जो फेमस चलते हैं आज की डेट में उनके नाम आपने पढ़ लिए, तो वहां से इजी क्वेश्चन था। देन बी आर आई, इससे तो सीधा आगे बढ़ना चाहिए ना, इसको तो कितनी बार हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पूरे साल में शायद 50 बार कर चुके हैं, तो कोई था नहीं इसमें। नोबेल पीस प्राइज, वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो मैं चाहता था कि अटेम्प्ट ना किया जाए, अटेम्प्ट ना किया जाए, ठीक है, आंसर वॉज स्टैनफोर्ड, आंसर वॉज स्टैनफोर्ड इन दिस, इसका आंसर तो पता ही है चाइनीज का है, ये है ना चाइना है। देन प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, वी हैव कवर्ड दिस इन आवर सेकेंड जून 2021, एनएचआरसी के बारे में हमने कवर किया था इन आवर द हिंदू एनालिसिस, प्लस जून के कंपेंडियम में था, प्लस जीके जीनियस में भी दे रखा था, सो देयर वर 3 सोर्सेस फॉर दिस, एक तो आपका हो गया, इनका आंसर हो गया जस्टिस अरुण मिश्रा, है ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, तो ये यहाँ पे आ गए एक बार जस्टिस अरुण मिश्रा, फिर ये आपके जीके जीनियस पेज नंबर 22 पे आ गए जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वोटर्स डे, ये तो अभी अभी किया था हमने, है ना, जब हमने 5.5 घंटे वाला सेशन किया था तब मैंने आपके इसको स्क्रीनशॉट्स दिए थे, दिस इज नेशनल वोटर्स डे, और हमारे रिपब्लिक डे के एक दिन पहले होता है ना, तो वैसे भी याद हो सकता था रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, तो दिस वॉज ऑल्सो डन, कंपेंडियम में भी दे रखा है, दिस इज जीके जीनियस पेज नंबर 14, वोटर्स डे कंपेंडियम ऑफ जनवरी ऑल्सो इंक्लूड्स वोटर्स डे, तो कंपेंडियम में भी है, जीनियस में भी है और क्लासेस में भी हो रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कास्ट देयर वोट, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था लेकिन सिंपल था, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो यहां से आप लिख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई इंसान को अंदर हमने जेल में डाल रखा है तो वो ऑफकोर्स उसको हम वोट नहीं करने देंगे, एंड दिस वॉज डिस्कस्ड इन क्लासरूम आई थिंक क्लास 2 सेकेंड क्लास वॉज देयर, है ना, क्लास नंबर 2 था ये जहां पे हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था, जब वोटर्स का परमिशन दिया गया था इन पर्सन बाय पोस्ट एंड थ्रू अ प्रॉक्सी हु ऑल कैन वोट, तो ये भी यहाँ पे डिटेल दे रखे कौन वोट कर सकता है कौन नहीं वोट कर सकता, this was done there,
देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोवाइड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन. दिस वॉज देयर इन जीके जीनियस पेज नंबर 3, तीसरे ही पेज पे है ना. शुरुआत भी की रहेगी तो इसका आंसर आता होगा. इट इज गोवा है ना, गोवा था. उसके अलावा हमने अभी पुरी का भी पढ़ा है, सिटी का पढ़ा था हमने, पुरी सिटी के बारे में पढ़ा था जब उन्होंने भी टैप वाटर दिया था. इवन दिस वन क्वेश्चन वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर घर जल योजना, उस पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल शक्ति पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है. इस साल के बजट का सबसे ज्यादा खर्चा जल शक्ति ऊपर किया गया है, तो जल शक्ति वॉज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. जल शक्ति वॉज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आना ही था. नेक्स्ट वॉज 53 कैटेगरी विनेश फोगाट. तो जब हमने ओलंपिक की बात की थी तो ओलंपिक के बारे में हमने मिराई तोवा की भी बात की थी और विनेश फोगाट एक तो ये ओलंपिक के टाइम पे भी पढ़ा होगा. एंड देन वन मोर टाइम आई थिंक विनेश फोगाट वॉज देयर इन आवर कंपेंडियम. उसको मैं स्क्रीनशॉट शायद कुछ लेना भूल गया या फिर किसी और में डाला होगा. विनेश फोगाट के बारे में हमारे कंपेंडियम में भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तो कंपेंडियम में भी कवर किया गया था वो. देन जो बाइडन, ये वो कहानी है जो बार बार आ चुकी है. जीके जीनियस पेज नंबर 77, 76, कंपेंडियम ऑफ अप्रैल मंथ, द हिंदू एनालिसिस, एवरीथिंग, एवरीवेयर इस 46 नंबर के प्रेसिडेंट छाए हुए थे, है ना. 46 नंबर के प्रेसिडेंट हर जगह छाए हुए थे. देन 9 सैटेलाइट्स. तो इस कंट्री के बारे में शायद हमने डिस्कस भी किया था कि चाइना ही ऐसी चीजें कर सकता है, आर्टिफिशियल सन हो गया है ना, फिर या फिर अपना फ्लैग होस्ट करना हो गया, या फिर 9 सैटेलाइट्स इन स्पेस फ्रॉम सी बेस्ड कमर्शियल लॉन्च. आई थिंक वी हैव कवर दिस इन द हिंदू ऑल्सो, द हिंदू में भी कवर हुआ था एक बार, तो वहां से आपको याद करना था. और यूएसए का मैंने एग्जांपल दिया था, यूएसए याद रखना कि यूएसए इज प्लानिंग टू हैव अ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. सो यूएसए भी जो बाइड योर डीजे साहब जब तक थे तो डीजे ने बताया था कि वहां पे जाके हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करेंगे. तो दिस वाज आल्सो देयर इन न्यूज. देन अमंग द मेजर इकोनॉमीज टू बोथ कोल बेस्ड एटॉमिक एनर्जी. दिस क्वेश्चन वॉज दैट क्वेश्चन कि जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, करंट अफेयर्स किया है, उनको आ जाएगा वरना नहीं आएगा. और इसका लोड नहीं लेना था. वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसको आप छोड़ भी सकते थे. शायद मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ जिसको आप छोड़ सकते थे. एक था नोबल वाला और दूसरा क्वेश्चन था ये वाला जिसको आप छोड़ सकते थे. आंसर वॉज जर्मनी, है ना. आंसर वॉज जर्मनी. नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट एवर ब्रेथ टेकिंग फोटो ऑफ सन. दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज, काफी ज्यादा न्यूज में था, काफी फेमस चीज थी, तो इसलिए इसको आपको मार्क करना था, है ना. नासा वॉज द आंसर फॉर दिस, तो इसको आपको मार्क कर देना था. देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज हु अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून 2021. अगेन वेरी मच इन न्यूज, वी कवर्ड दिस ऑन 9th ऑफ जून आई गेस, एंड इट वॉज कवर्ड इन जीके क्या अपना जो कंपेंडियम है, मंथली कंपेंडियम और मंथली मैगजीन्स वेयर देयर, सो वहां पे भी इट वॉज कवर्ड. देन 600 बिलियन, वेरी मच इज न्यूज, लाइक 500 से 600 के बीच में हम खेल रहे थे, अभी शायद 540 पे अटके हुए हैं, है ना. जब 600 टच किया था दैट डे इट केम इन न्यूज़पेपर एज वेल, द हिंदू एज वेल, एंड इन आवर जीके जीनियस एज वेल, राइट. जीके जीनियस, शायद गलत फोटो चिपका दिया है ना, पांडे जी वाला फोटो चिपका दिया है यहाँ पे, अनूप चंद्र पांडे जी वाला. कोई बात नहीं, फोटो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी सारी जगह से सोर्सेस मैच करके आपको बताना कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या कवर किया था, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है. एक हाथ दो ऊपर नीचे आप भी एडजस्ट कर ही सकते हो इंडिया में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 4 ± 2 चलता है ना, तो यहाँ पे भी ± 2 चलते हैं. आपके स्कोर भी मैंने क्या बताया, अच्छा स्कोर 25 ± 5 पकड़ लो, ±5 है ना, तो -5 तो थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो ऐसे पकड़ सकते हैं कि 27 ± 3, या दिस वाज अ गुड स्कोर. 24 से लेके 30 की रेंज, ठीक है, 24 से लेके 30 की रेंज, गुड स्कोर आई फील इन दिस एग्जाम, ठीक है. देन हु वाज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ UNGA. अब ये हमने पुराने याद किए थे, अभी के याद किए थे, आगे के याद किए थे, सारे प्रेसिडेंट याद किए थे हमने, है ना, कि जो कौन थे क्या थे, तो एवरीथिंग वाज देयर. सो दिस वाज अब्दुल्ला शाहिद, शायद मैंने बताया था शाहिद कपूर है, कहाँ पे है, मालदीव्स में है, शांत आदमी है, तो मालदीव्स जाए घूमने गए, मालदीव्स के है ये, है ना, तो इनको याद रखना, तो ट्रिक थी वो, दैट वाज अ ट्रिक, है ना, टू रिमेंबर अब्दुल्ला शाहिद्स नेम. एंड वी कवर्ड दिस इन जीके जीनियस पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 जीके जीनियस. इवन मंथली कंपेंडियम, मंथली मैगजीन में भी कवर हुआ ही होगा. यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैड कास्टिंग वोट इन द सीनेट. नाउ दिस इज थोड़ा यूएस के इंटरनल है, इंटरनल क्वेश्चन है, लेकिन देयर वाज अ थिंग, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स व्हेन जो बाइडेन वाज देयर,
एट दैट टाइम आई टोल्ड यू मेनी टाइम कि जो बाइडेन की मिनिस्ट्री में जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके नाम आपको याद करने चाहिए, इंडियन ओरिजिन के नाम याद कर लो, इंडियन ओरिजिन के नाम याद कर लो, बहुत बार बताया था, क्योंकि मुझे पता था इंडियन ओरिजिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर 5 साल की कहानी है, जब भी इलेक्शन होते हैं 4 साल है ना, वहां तो 4 में होते हैं ना, तो 4 साल की कहानी है कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दैट्स व्हाई यू शुड नो द आंसर। वैसे भी दे रखा था इंडियन अमेरिकन किरण आहूजा जीनियस पेज नंबर 68, जीके जीनियस पेज नंबर 68। सो सो नेक्स्ट इज बिल एंड मेलिंडा जमशेदजी टाटा। सो दिस वॉज कवर्ड इन आवर जून कंपेंडियम पेज नंबर 5। फोटो के साथ कवर किया था हमने जमशेदजी टाटा के बारे में कि सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट रह चुके हैं पिछले 100 साल में, इंडिया के लिए प्राउड फील करने की बात है। जिनको इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था उनको क्या ही बोला जाए, क्या करना चाहिए, है ना, उन लोगों को तो इंडिया के है ना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अब डिसाइड कर ले, बाहर की कंट्री अच्छी होगी। डिप्लोमेटिक मिशन बिटवीन टू कॉमनवेल्थ नेशन, जनरली आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस में जहां भी आपने कोचिंग की रहेगी, जनरली द डिफरेंस बिटवीन एम्बसी कॉन्सुलेट एंड हाई कमीशन ये बता दिया जाता है। ठीक है, ये बता दिया जाता है क्लासेस में, कोई ना कोई टीचर कभी ना कभी ये चीज बता ही देता है, तो आपको भी किसी ना किसी ने बताया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बसी कॉन्सुलेट एंड हाई कमीशन। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट नहीं पता था तो वन ऑफ दोस क्वेश्चन जिसको आप स्किप कर सकते हो, है ना, वन ऑफ दोस क्वेश्चन जिसको आप शायद सोच सकते थे कि छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट इज अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि है ना पता है आपको कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे नहीं जा सकते, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां नहीं जा सकते, हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा जाते हैं, है ना, जॉइंट प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो वहां नहीं होते प्रेसिडेंट। अगर स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो डेप्टी स्पीकर होते हैं, अगर डेप्टी स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, शायद हमने ये क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, कौन नहीं हो तो कौन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल्सो देयर वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट पे क्लास था, उस टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। चलो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट वाला याद नहीं होगा, तो जब हमने राज्यसभा की इलेक्शन की बात की थी, राज्यसभा इलेक्शन पे क्लास हुई थी, तब हमने इसको पढ़ा था, जॉइंट सीटिंग में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है विद राज्यसभा। सो दिस वॉज कवर्ड ओवर देयर एज वेल, राइट। सो बेसिक पॉलिटी जिसको पता है उसका यह आंसर निकल जाना चाहिए था। देन तो हफ्ते तो भैया साइक्लोन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, है ना, आई थिंक दिस वॉज सम 18th of May 2021, तो 2-3 बार पढ़ लिया था हमने, इसके पहले यास आया था तो यास के टाइम भी पढ़ा था, तो हफ्ते के टाइम भी पढ़ा था, गुलाब आने वाला है फ्यूचर में, है ना, जब भी आएगा तब वो। नाउ दिस इज नेपाल वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन विच आई विल से कि पक्का स्किप करना है इसको, है ना, इसको नहीं हाथ लगाना है, अगर नहीं पता है, पता है तो ही हाथ लगाओ, नहीं तो हाथ जलेगा, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि समीटिंग माउंट केटू इन विंटर कौन याद रखेगा, क्यों याद रखेगा, है ना, नहीं याद रखना होता है ये सब चीजें। तो ये वो क्वेश्चन था जिसको आप छोड़ सकते थे, जिसको आप छोड़ सकते आगे बढ़ते थे। देन टोक्यो 2020 ओलंपिक के मास्कॉट कौन थे, तो ये तो हमने शायद टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक की जब बात की थी तो पहले ओलंपिक कब हुए थे, पहले मैस्कॉट कब हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना, डशुन नाम के जो कुत्ते होते हैं वो पहले मैस्कॉट थे, पहली बार मैस्कॉट जब डिक्लेयर किए गए थे, तो हमने तब पढ़ा था मिराई तोवा और सो माइटी के बारे में, मिराई तोवा एंड सो माइटी, राइट, तो वो हमने पढ़ा था। देन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, वन ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन रिपोर्ट्स एंड रैंक्स। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड रैंक्स के ऊपर हमने इस क्वेश्चन को किया था, एंड इट वाज इवन आल्सो देयर इन योर जीके जीनियस पेज नंबर 13, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। अगर नहीं भी पता था तो आपको केरला के साथ तो जाना ही था, तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते, दिस वॉज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जहां पे रिस्क ली जा सकती थी, क्योंकि केरला तो पता ही है सबको, होना ही चाहिए, सेकेंड तमिलनाडु के साथ आप जा सकते थे ऑप्शन के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब, तो ये तो ऑफकोर्स इंडिया से रिलेटेड है, तभी आया था, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तभी आया था। सो दिस वॉज बेंगलुरु एंड दिस वॉज कवर्ड इन कंपेंडियम ऑल्सो एंड इन जीके जीनियस एज वेल। देन इंडिया वॉज अ मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द सेप्टेंबर डिफीटिंग विच कंट्री, तो एग्जैक्टली अपन ने ये इसमें दे रखा है ना, कि हमने क्या किया था, इंडिया बीट चाइना फॉर दिस पोस्ट, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड विद अफगानिस्तान फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, तो हमने ये पढ़ा था, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ यूएन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन, तो बड़ी अच्छी चीज थी वैसे भी, है ना, बड़ी अच्छी चीज थी। कंपेंडियम सेप्टेम्बर 20 जून पेज नंबर 18। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड वन कंपेंडियम ऑल्सो, आई थिंक जुलाई का कंपेंडियम मुझे मिल ही रहा था, जुलाई के कंपेंडियम से भी शायद दो क्वेश्चन थे जहां मुझे याद था, लेकिन वो कंपेंडियम मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट
ऑन द इसराइल के साथ हमने साइन किया था रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, तो इसराइल और इंडिया के साइबर रिलेटेड चीजें वैसे ही न्यूज में है। पेगासस की बात ले लो या फिर और भी कोई रिलेशन हमारे जो इसराइल के साथ है वो काफी ज्यादा न्यूज में थे और मोदी जी विजिट भी किए थे कुछ टाइम पहले की बात है वो, तो उसके वजह से दिस वॉज अ न्यूज। इट वॉज गिवन इन पेज नंबर 50-68 ऑफ जीके जीनियस, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन वहां से आपको उठ के आ गया था। यू कैन सी कि अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता था तो आई विल से फोर्थ क्वेश्चन जो आपको स्किप करना है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, जो आप छोड़ सकते हो। देन क्वाड भैया, इसके तो है ना क्या ही कहने क्वाड के, तो इतनी बार तो हमने पढ़ लिया है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, शायद हमने 15 से 20 बार पढ़ा होगा, है ना, 15 से 20 बार पढ़ा होगा, 15 से 20 बार आराम से पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को, तो आप उसको आंसर कर सकते थे। जीनियस के भी शायद मैंने 3 पेज के नंबर दे दिए हैं, 79, 21 एंड 17, जहां पे आपको क्वाड के मेंबर्स मिल जाएंगे। देन बोस, पराक्रम दिवस, तो दिस वॉज वी कवर्ड ऑन 20 जनवरी, 20 जनवरी को हमने ये कवर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जब ये कहा था पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। बोस के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा भी था, 125th बर्थ एनिवर्सरी के बारे में पढ़ा था, तो वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसका शायद डे भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, नाउ दिस वॉज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, अगेन थोड़ा सा जिसको आपको बेसिक आपका अप्लाइड नॉलेज लगाना है, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, शायद आपके टीचर ने, जैसे मैंने तो बताया होगा, शायद आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी ऐसी बॉडीज में कभी भी वर्ड जनरली अथॉरिटी वर्ड नहीं आता, तो फाइंड द ऑड मैन आउट भी कर सकते थे इसमें, क्योंकि अथॉरिटी है मतलब कहीं से तो इनको अथॉरिटी मिली है ना, दैट मींस देयर इज सम स्टैट्यूट और देयर इज सम, यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन, कुछ ना कुछ होगा इनका, दे आर हैविंग सम अथॉरिटी, तो ऑड मैन आउट वैसे ही आपको पता चल जाना था। इट वॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इट वॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। Then this was regarding कौन सा है ये question, farm laws I guess, right, farm laws, तो farm laws के ऊपर on first of में अभी भी जाके देख सकते हो, 1.5 घंटे का session पड़ा हुआ है farm laws के ऊपर, इतने detail में discuss किए थे farm laws। इसके अलावा legal angle of farm laws was also discussed, right, legal angle भी हमने discuss किया था, legal teacher ने आपके YouTube channel पे, तो वहां से आप उसको ले सकते थे। Then this is page number 204 of GK perfect, GK perfect में भी 204 पेजेस में फार्म लॉज एकदम डिटेल में दे रखे हैं, फर्स्ट वॉल्यूम ओनली आई गेस, दिस इज इन द फर्स्ट वॉल्यूम ओनली। देन विच इंटरनेट जायंट कमिटेड दिस, नाउ दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ विच आपको ये पता होना चाहिए था, ये काफी न्यूज में था, डिजिटाइजेशन, इंडिया के डिजिटाइजेशन में ये काम करने वाले थे, तो ये काफी ज्यादा अच्छा न्यूज था, सिंपल न्यूज था जो आपको आइडिया होना चाहिए था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ 500 मिलियन डील, नाउ ये वर्ल्ड बैंक के साथ थी, दिस डील वॉज इन न्यूज बिकॉज ये काफी अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसीलिए ये आपके जीके जीनियस के पेज नंबर 40 में भी दे रखा था, 500 मिलियन के साथ अलग अलग स्टेट्स के नाम के साथ। आई थिंक यहाँ पे शायद स्टेट्स के नाम भी पूछे जा सकते थे कि कहाँ कहाँ ये जाने वाला है, ठीक है, बट अगर जिन्होंने जितना डिटेल में, इतना डिटेल में जीनियस अगर नहीं पढ़ा होगा तो यू कैन से कि ये क्वेश्चन था जिसे आप स्किप कर सकते थे। तो अराउंड 5 questions वे देयर, राइट, 5 questions ऐसे थे, 4 से 5 questions जो आप स्किप कर सकते थे, 30 आपका आइडियल अटेम्प्ट, आई से आई कैन से आइडियल अटेम्प्ट वुड हैव बीन बिटवीन 28 to 32, 28 से 32 के बीच में एक आइडियल अटेम्प्ट हो सकता था, और 25 से 30 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए था, 25 से 30 के बीच में इज अ गुड स्कोर फॉर जीके सेक्शन आई विल सजेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट चीज में आपको बताना चाहूंगा, वी आर हैविंग 32 questions मैच्ड फ्रॉम आवर रिसोर्सेस, आउट ऑफ 35 questions 32 questions मैच हुए अलग अलग जगहों से, 32 questions आर मैच समवेयर, कहीं क्लास में हुए, कहीं पे हुए, और अगर आप विथ ऐसे ये जीनियस और जीके परफेक्ट इन दो को भी अगर मैच कर दो, ओनली जीके जीनियस एंड जीके परफेक्ट यू कैन से, तो देर आर अराउंड 20 to 25 questions विच आर मैचिंग, एंड अगर इसको आप कंपेंडियम ऐड कर देते हो, मंथली मैगजीन्स ऐड कर देते हो, तो दिस गोज ऑन टू अराउंड 30 questions द हिंदू एंड ऑल चीजें जब आप ऐड कर दो, तो 32 questions, एंड आउट ऑफ 32 आई हैव गिवन यू डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन मीन्स जब मैं डिस्कस कर रहा था तब मैंने बताया था कि कौन से 13 questions बहुत इजी थे जिसमें आपके पूरे ही नंबर आने चाहिए, कौन से 12 questions थोड़े डिफिकल्ट थे जिसमें आपके 2 से 3 नंबर कट सकते थे, तो अराउंड 22 के आसपास का स्कोर यहाँ पे बन सकता था। इसके अलावा पॉलिटी और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन थे जो अपन ने कवर किए थे उसको मिला के इसमें पकड़ लो 5 से 10 नंबर का इजाफा, 5 से 10 नंबर अलग अलग आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप इंटेलिजेंट हो, जितना आप जीके सेक्शन पे ध्यान देते हो, कैसे आपके बाकी के सेक्शन पे, उसके हिसाब से अगर आप करो तो 27 से लेके 32
इस रेंज में आपका स्कोर आना चाहिए, तो 25 ही पकड़ लो, 25 के ऑनवर्ड्स, ठीक है, 25 ऑनवर्ड्स जो भी स्कोर्स है, दोज आर वेरी गुड स्कोर्स, इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और लास्ट थिंग दैट आई विल ट्राई टू से, जो शायद क्लैट के बाद भी अपने डिस्कशन में मैंने बताई थी, जीके परफेक्ट, जीके जीनियस, एंड द हिंदू नोट्स, और क्लास में जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें हमेशा रहेगी, एंड बॉस इज बॉस, है ना। तो ये चीजें कर लो, अगले अटेम्प्ट वाले भी 22 वाले देख रहे होंगे, 23 वाले देख रहे होंगे, क्या करना होता है, कहाँ से करना होता है, सो उस मैच करके, शायद किसी ने इतने जल्दी नहीं बताया होगा, बताएगी भी तो पता नहीं, लेकिन हम पेज नंबर के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, और पढ़ाई करते रहो, जस्ट मेनली इसका पर्पज ये नहीं है कि इसको बताना है क्या है क्या नहीं, पर्पज ये है कि आपको बस कॉन्फिडेंस देना है दैट वॉट यू आर डूइंग कीप डूइंग दैट। आप जैसा पेपर दे रहे हो वैसा, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, एक जगह से सारी चीजें पढ़ लो, अब इस यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, इतना करने की जरूरत नहीं है, एक जगह से अच्छे से पढ़ते रहो, वहां पे सारी चीजें आपकी कवर हो सकती है, ठीक है, एंड दैट यू नो कहाँ पे कवर हो सकती है चीजें, तो उसके लिए उस तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। और 22-23 वालों के लिए दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट नेक्स्ट ईयर भी चीजें ऐसी ही होगी, सालों से चीजें ऐसी ही चलती आई है और आगे भी चीजें ऐसी ही चलेगी, तो क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही हम हर साल दिखाते रहेंगे, तो इसके लिए ध्यान रखना नेक्स्ट बच्चे वाले नेक्स्ट ईयर के। और इस बार का शायद आइडिया मैंने दे दिया है, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस थे, कितना नंबर आपके आने चाहिए थे। ओके, सो एक बार देख लेते हो कि क्या है क्या नहीं। ओके, आई थिंक नथिंग इन द कमेंट सेक्शन एज सच, राइट। चलो देन, सी यू, थैंक यू, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ये पेपर कैसे बना था, क्या बना था, एंड हैव अ सेफ नाइट, है ना। जो आज देख ले रहे हैं, शायद कुछ लोग आज देख भी नहीं रहे होंगे, जो एलेट दे रखे हैं, है ना, क्लैट खत्म हो गया, एलेट खत्म हो गया, तो आफ्टर दैट हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड सेलिब्रेशन, इट्स योर टाइम टू हैव सेलिब्रेशन, आपको बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, जो भी करना है ना वो सब करना चाहिए, लेकिन सेफली, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, है ना, हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है ज़्यादा, एंड कम बैक होम, कम बैक होम, और पढ़ाई लिखाई करो, और जो 22-23 के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून से क्वेश्चन आते हैं। सो या, दिस वॉज इट फॉर द जीके सेक्शन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और बाकी वीडियोज देखते रहो, कल द हिंदू में मिलेंगे, आज द हिंदू हो नहीं पाया क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करनी थी। ओके, तो ठीक है, चलो देन, सी यू, कल द हिंदू के सेशन में मिलते हैं, बाकी लोग जो 22-23 वाले और 21 वाले जो दे चुके, आई होप उनको देखने का, है ना, जरूरत ना पड़े, ना वो मुझे देखे, ना मैं उनको देखूँ, वो सीधे अपने नालस NLS या फिर जो भी उनका कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, वहाँ जाके अपने प्रोफेसर्स का मुंह देखे, हमारा नहीं, है ना। चलो, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।